राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आज जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में क्षय रोगियों को पोषण आहार किट वितरित किए गए। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि निक्षय पोषण योजना के तहत टीम चेतन धुंधारिया की ओर से 40 मरीजों को पोषण आहार किट मुहैया करवाए गए। टीम चेतन धुंधारिया के संस्थापक चेतन कुमावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से अभियान की शुरुआत हुई है, जिसके तहत क्षय रोगियों को गोद लेकर नियमित अंतराल से पोषण आहार किट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे मरीजों में संक्रमण से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। नरेंद्र मोदी जी का एक अभियान है टीबी मुक्त भारत अभियान, जो 2025 तक हमने लक्ष्य लेके रखा हुआ है, इसको मुक्त करके और टीबी मुक्त करके रहना है, तो सभी के सहयोग के साथ में ये संभव होगा। उसी के क्रम में टीम चेतन धुंधारिया प्रतिवर्ष की भांति कई सालों से जब भी हमारे को बोलते हैं, जब भी हमारे को बोला जाता है, आवश्यकता महसूस होती है, तो हम लोग ये न्यूट्रिशन के फूड वगैरह और भी तरह की कई सुविधाएं हम लोग इनको प्रोवाइड कराते हैं। ये टीबी की बीमारी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, जो बहुत क्राउडेड जो एरिया होते हैं उसमें ज़्यादा ये मिलती है। तो पोषण के रूप में जो मरीजों को जो पोषण के लिए जो न्यूट्रिशन फूड अवेलेबल नहीं होता है, उसी रूप में हम लोगों ने ये किट बना के और हम सब ने मिलकर ये कार्य किया है, और हम ये चाहते हैं 2025 से पहले ही मोदी जी के इस अभियान को हम जल्दी से, इसको टीबी मुक्त भारत को हम जल्दी से करें। हमारा एक गिलहरी भर का, एक बूंद भर का हमारा ये प्रयास रहेगा, और हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम इस कार्य में जुड़ के हम मोदी जी के इस अभियान में हम लोगों को शामिल हुए। हमारा राजस्थान और भारत में जो है टीबी मुक्त करने के लिए अभियान चल रहा है, और सब ये जानते हैं कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो दिसंबर 2025 तक भारत को टीबी मुक्त कराने के लिए उन्होंने संकल्प लिया हुआ है। WHO द्वारा यह संकल्प 2030 तक का है, इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मरीजों को पोषण की बहुत आवश्यकता होती है, अधिकतर जो केसेस टीबी के होते हैं वो पोषण के लिए उनको आवश्यकता होती है, और जो पोषण के लिए उनको निक्षय पोषण योजना के तहत खाद्य पदार्थ और पैसे भी 500 रुपये महीना भी दिए जा रहे हैं। खाद्य पदार्थ वितरण जो है हम NGO के माध्यम से कराते हैं, उसके अंदर हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको मरीज को एक महीने का जो पोषण मिले, जिसके अंदर की प्रोटीन युक्त भोजन हो, जिससे प्रोटीन युक्त भोजनों से उसको सहायता मिले, उसके शरीर की इम्यूनिटी डेवलप हो, और इम्यूनिटी डेवलप होने से उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और टीबी से वह मुक्त होने में उसको सहायता करे।